वेलकम टू वी एम एस गाइस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, कुछ नए लॉट्स उतरे हुए हैं, तो अभी और मैं आपको लॉट्स दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप अभी देख रहे हो, वियतनाम वाइट में जो भी अच्छे अच्छे लॉट्स अभी मेरे पास उतरे हैं, उसमें काफ़ी काफ़ी अच्छे लॉट्स उतरे, और जो भी आप देख रहे हो अभी पूरे बारीक क्रिस्टल में है। तो आप देख सकते हो गाइस, एकदम बारीक क्रिस्टल में ये लॉट है। इसके डायमेंशन की ये लॉट की मैं बात करूँ तो ये 67x47 का पूरा लॉट है, और इसमें मेरे पास करीबन 37 स्लैब अवेलेबल है। आप देख सकते हो, इसकी पॉलिश मैं आपको दिखा दूं, और ये काफ़ी हार्ड पत्थर आता है, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। इसे आप देखिए, ये पॉलिश पार्ट है, पॉलिश पार्ट में आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो गाइस। देखिए एकदम मिरर फिनिश जैसा पूरा रिफ्लेक्शन है, और आप मटेरियल देख सकते हो, पूरा साफ मटेरियल है। देखिए गाइस, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसकी हार्डनेस बता रहा हूँ, हार्डनेस आप चेक कर सकते हो, बहुत ही शानदार मटेरियल है। ये मटेरियल और ये मटेरियल दोनों सेम ही है, लेकिन तो थोड़ी सी साइज़ में फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। 67x42 का ये भी एक लॉट पड़ा हुआ है, और इसमें 37 स्लैब इसमें भी अवेलेबल है। ये दोनों लॉट मिला हुए के मेरे पास करीबन 1500 स्क्वायर फीट मटेरियल अवेलेबल है। देखिए गाइस, आप इसको फ्लोरिंग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ कोई अगर बेडरूम वगैरह है आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस, इसमें आप इसके मिरर फिनिश देखिए, एकदम कांच जैसी पॉलिश होती है इसमें, और मटेरियल एकदम हार्ड है, और ये 17 mm में ये मटेरियल पूरा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, इस टाइप के मेरे पास और भी काफ़ी मटेरियल्स है, बाय वन करके मैं आपको काफ़ी और वियतनाम वाइट के रिगार्डिंग आपको वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। इस टाइम जो भी मेरे पास स्टॉक आया हुआ है वो बहुत ही शानदार स्टॉक है, और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में पूरा नील हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है मुझे, और इसी इंक्वायरी से अगर आपको भी अगर इस टाइप के मटेरियल की अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बताइए आपको ये मटेरियल कैसा लगा। अगर इस टाइप के मटेरियल की आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज़।